हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बेनी के इस नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो अभी हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में, तो चलिए अंदर मंदिर के अंदर चलकर दर्शन करते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद में सनसेट भी होने वाला है, तो इसके बाद हम जाकर सनसेट देखेंगे। और ये है सुदामा ब्रिज, जो अभी रिनोवेशन का काम चलने के कारण ये बंद है। तो हमें यहाँ इधर आने के लिए नदी क्रॉस करके आना पड़ा, क्योंकि नदी का अभी जल स्तर बहुत नीचा है। तो चलिए अभी अंदर मंदिर के अंदर चलकर दर्शन करते हैं लक्ष्मी नारायण जी के। वैसे अंदर मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं है, देखते हैं कहाँ तक हम इसका वीडियो बना पाते हैं। गरुड़गामी लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। जय हो लक्ष्मी नारायण जी की, जय हो ये है श्री राम शिला तेरता पत्थर। तो ये पत्थर है, ये पानी के ऊपर तैर रहा है। तो ये है गोमती तीर्थ, और यहाँ का पानी पीना भी शुभ माना जाता है। बाबा जी, एक बाबा जी को पानी पिया। तो ये है यहाँ का कुंड। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर मीठा पानी है, लेकिन पूरे द्वारका के अंदर, मतलब आसपास में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मीठा पानी आता हो। लेकिन इसी कुंड के अंदर, गोमती घाट के ऊपर, इसी कुंड के अंदर, इसी गोमती तीर्थ के अंदर सिर्फ मीठा पानी आता है। तो और सारी जगह, मतलब जितने भी बोर हुए या और कुछ जितने भी चीज़ें थी, उनमें बिल्कुल भी ठंडा मीठा पानी नहीं था, सब जगह खारा पानी निकला था। जो ये तीर्थ है, इन्हीं के अंदर सिर्फ मीठा पानी है। इसके अलावा आपको यहाँ 10-12 किलोमीटर के रेडियस में मीठा पानी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ के लोकल लोग यही बताते हैं कि 10 से 12 किलोमीटर एक शराब के कारण 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर आपको पीने का मीठा पानी नहीं मिलेगा। और इनको पंचनद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 5 तीर्थ बने हैं यहाँ पर जिनके अंदर मीठा पानी है। तो यहाँ पर एक अंबाजी का मंदिर है, जहाँ पर एक पांडव गुफा भी है, बट अभी बंद है।